देहरादून उपखंड में अब बिजली महंगी हो गई है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की बढ़ोतरी की है। गुरुवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष डीपी गोयरेला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने टैरिफ जारी किया। बिजली की नई दरें 1 अप्रैल से लागू होंगी। बता दें कि इस साल नए वित्तीय वर्ष के लिए UPCL ने 16.96%, UGVNL ने करीब 2 और पिटकुल ने 9% बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था। सरकार हमसे इस मामले में सुझाव मांगने वाली बात नहीं आती है, क्योंकि हमारा जो वर्क है, हमारा वर्क तो ये है कि हमें प्रोविंस चेकिंग करनी है इस बात की कि क्या वो हमें जो एरर दे रहे हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, उस रिक्वायरमेंट को कैसे पूरा करना है, वो रिक्वायरमेंट जेन्युइन है नहीं है, तो वो चेक करके हम तो ये देखते हैं कि अगर रिक्वायरमेंट में कुछ कमी बेसी है वो कम करते हैं। जैसे इस बार भी इनकी रिक्वायरमेंट तो सब मिला के 29% की थी, हम लोगों ने जो अलाउ किया वो 9.69% किया है, या हम इस अब जो टैरिफ चल रहा है उससे 1.79% किया है, तो वही सब देखते हुए हम तो उसको अलाउ करेंगे, जिससे कि जो रेवेन्यू हम उनको दे रहे हैं कि आपको इस बार 9,900 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए हम दे रहे हैं, 10,000 करोड़ की कंपनी बनने वाली है, तो वो उसका पर्पज़ यही है कि भैया इस आपके सारे खर्चे हो जाएंगे। अब उसके बाद आप बात कर रहे हो इंडिविजुअल टैरिफ की, तो उस पर टैरिफ का रेजिस्ट्रेशन हम नहीं कर सकते। हम लोग तो जो टैरिफ का जो क्रॉस सब्सिडी को देखना पड़ता है हमें, जिसमें बात होती है कि साहब हमें 20% प्लस माइनस करना पड़ता है। आपको बताऊं कि जो लास्ट ईयर हमारा डोमेस्टिक में क्रॉस सब्सिडी थी वो 19.8% थी, उसको भी हमने बढ़ा के 20% कर दिया, जिससे कि लोगों को बोझ कम पड़े। तो अपने हिसाब से तो हम लोगों ने मैक्सिमम बेनिफिट देने की कोशिश करी है। और 3-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई अभी कि जैसे मछली पालन वालों को हमने पहले कॉमर्शियल बिल हो रहा था, उनको हमने डोमेस्टिक में किया है, वो एग्रीकल्चर अलाइट में किया है। ऐसी इंडस्ट्री वालों को भी जो 80% बिलिंग थी उसकी 75% डिमांड पे बिलिंग कर दी है, वो 1.25 की जगह 1.5% रिबेट बढ़ा दिया है। ऐसे ही हमने जो PTW कंज्यूमरों को 5% अगर बाई मंथली बिलिंग के लिए कहा है, 5% उनको रिबेट के लिए कहा है कि आप 1 महीने के अंदर पेमेंट करते हैं तो 5% रिबेट मिल जाएगी, तो एग्जिस्टिंग टाइपों को 1 पैसा कम पड़ जाएगा। ऐसे ही हमने सोलर वाटर हीटर जो कि बहुत साल से 100 रुपीज़ पर 100 लीटर था, उसको हमने 70 रुपीज़ पर 50 लीटर कर दिया है, तो वो सब मेजर्स हम लोगों ने इस बार लिए।